आज स्लीपर्स के बारे में, ओके। ये हमारे ये रेल है और ये हमारे स्लीपर्स हैं, ओके। वैसे ही मैं यहाँ पे ये लाया हूँ, एक है वुडन स्लीपर और कंक्रीट स्लीपर, एंड वन कंक्रीट स्लीपर एंड कंक्रीट स्लीपर, ओके। और कुछ इसके डिफिनेशन है, मैं आपको इसके बारे में बात करूँगा, ओके। तो ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। तब तक आप वीडियो में बने रहिए, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा कि स्लीपर से स्लीपर डिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे गेज, थ्री टाइप्स के गेज होते हैं। एक होता है आपको, सबसे होता है ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैनो गेज, ओके। जितने भी अभी मीटर गेज है, सबसे स्टार्टिंग में आया था नैनो गेज, अभी कुछ कुछ जगह पे मीटर गेज है लेकिन वो चलता नहीं है। मीटर गेज में क्या होता है कि इसका जो रेल टू रेल का जो डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर होता है, इसलिए इसको हम लोग मीटर गेज बोलते हैं, ओके। और नैनो गेज क्या होता है, जो नैनो गेज होता है वो 1 मीटर से भी छोटा होता है, यानी 0.75 होता है, इसको हम लोग नैनो गेज बोलते हैं, नैनो गेज, ओके। और ये हो गया मीटर गेज, और ये हमारा हो गया ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज क्या होता है, ब्रॉड गेज हमारा 1 मीटर से ज्यादा होता है, ओके। इसका रेल से रेल की जो डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया मीटर गेज, ब्रॉड गेज एंड नैनो गेज, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्लीपर नॉट टू एग्जीक्यूट, इससे ज्यादा ब्रॉड गेज में 550 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान चलिए कि जो ये हमारा स्लीपर है और एक ये स्लीपर है, मैं इसमें आकर आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा स्लीपर है, तो ये जो स्लीपर का ये जो सेंटर पार्ट है, ये हमारा स्लीपर का जो सेंटर पार्ट है, रेलवे हमेशा सेंटर टू सेंटर बात करता है, अलाइनमेंट में भी सेंटर टू सेंटर बात करता है। ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा बीजी में ऐसा बोल रहा है कि सेंटर टू सेंटर या आउट टू आउट, ओके, सेंटर टू सेंटर या आउट टू आउट, ठीक है, या इन टू आउट। इसका जो डिस्टेंस है वो 510 होना चाहिए, 510 mm, ओके। तो आपने ये समझ गया, ये हमारा रेल है, पटरी, और ये हमारा स्लीपर है, ये रेल लाइन, ओके। और ये भी हमारा रेल लाइन हो गया, ठीक है, ये हमारे स्लीपर्स हैं, ओके। अभी देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कंक्रीट स्लीपर है, जो कि ये कंक्रीट स्लीपर जो हमारे होते हैं, इसका जो लेंथ होता है वो 2.7 मीटर होता है, ओके, 2700 mm, और इसका हाइट जो होते हैं वो 210 mm होता है, ठीक है। अगर ये कंक्रीट स्लीपर हो गया, अगर यहीं पे मैं बात करूं स्टील स्लीपर, स्टील स्लीपर का, तो स्टील स्लीपर में उसका जो हाइट होता है, लेंथ 0.015 मीटर, 150 mm, ओके, इस तरह से होते हैं ये। देन यहाँ पे देखिए, ब्रॉड गेज में 510, मीटर गेज में 305 और नैनो गेज में वो 125 mm, ओके। और उसका डेप्थ है, डेप्थ 125 एंड 125 mm, ठीक है। ये क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ स्लीपर, लेंथ ऑफ स्लीपर, स्लीपर के लेंथ क्या होता है, आउटसाइड टू आउटसाइड गर्डर फ्लेंज प्लस 305 mm, जो हमारा गर्डर होते हैं, जैसे कि अगर स्टील गर्डर की मैं बात करूं तो इस तरह से उसके फ्लेंज होते हैं, ओके, ये फ्लेंज होते हैं। तो फ्लेंज से क्या कह रहा है, आउटसाइड 305 mm, सॉरी, तो ये जो इस तरह से गर्डर हमको रखना है, इस तरह से स्लीपर रखना है, ये जो कह रहा है ये 305 mm कह रहा है फ्लेंज से बाहर, ओके, ये इसका फ्लेंज हो गया, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, एंड कमेंट्स में आप श्योर कमेंट्स करेंगे वीडियो कैसी लगी।